ये हम अपनी चूड़दार पीक से सिर्फ 2 किलोमीटर पीछे हैं, ये हमारे लिए रे कट्टू जी आपको शाम को गाना सुनाएंगे, तो हम इनकी वीडियो जरूर रिकॉर्ड करेंगे और ब्लॉग में डालेंगे। तो ऐसा ही है, ना बस हम ठीक है, ओके। लिरी कट्टू जी कोई गाना सुना दीजिए अगर है आपके मन में कोई। जटा जूट में गंग विराजे, जटा जूट में गंग विराजे, माथे अर्ध चंद्रमा साजे, माथे अर्ध चंद्रमा साजे, गले में तेरे नाग विराजे, गले में तेरे नाग विराजे, डम 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 रूबाजे बोले ओ नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। तो ये हमारे लिए कट्टू जी ने अभी भोलेनाथ जी लिए, भोलेनाथ जी के लिए एक शब्द गाया था, आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना। वो देखो हमारे महादेव जी वो देखो, बोले तेरे मिलने का ओ शंभू, तेरे मिलने का चूड़दार ही बहाना है, बोले तेरे मिलने का चूड़दार ही बहाना है, ओ जब से तेरी लगन लगी दिल हुआ दीवाना है, ओ जब से तेरी लगन लगी दिल हुआ दीवाना है, ओ शंभू जी से मिलने का, महादेव से मिलने का चूड़धार ही बहाना है, ओ अब तो आ जाओ इतना ना तरीका है, ओ अब तो आ जाओ इतना ना तरसा हो, ओ मैं तो तुझे पूजू भोले, तुझे पूजे जमाना है, ओ महादेव से मिलने का चूड़धार ही बहाना है। तो गाइस एक बार जरूर चूड़धार आए, यहाँ की हसीन वादियों में महादेव तो मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन यहाँ की जो मौसम जो चेंज होता रहता है, आपको 10 मिनट में आपको 5-6 बार 5-6 जितनी भी रीतें होती हैं सब देखने को मिलेंगी, और इतनी सुंदर पहाड़ा भी बड़े ऐसी पकड़ गई वाइट स्ट्रेट कितना रास्ते का मजा, छोटा काम और वो
प्याज टमाटर अपने लेके आए और वो भी पहाड़ों में गंद ना डाले। यहाँ पे जगह जगह पे लिखा हुआ है बाकी नजारा तो आप देख ही रहे होंगे। प्रकृति के बारे में हम क्या बोले, ये क्या बोले नाथी का साथ है, तभी आप पहुंच सकते हो अगर आप सच्ची श्रद्धा से आओगे, श्रद्धा से, वरना रास्ते में टेंट लगाना पड़ेगा। तो गाइस हमारा रह गया थोड़ा छः किलोमीटर दूर है हम महादेव से, और फिलहाल ज़्यादा थके नहीं है क्योंकि आज तीन चार किलोमीटर की जो चढ़ाई थी वो बाइकों से कंप्लीट की। उसके आगे हमने चलना शुरू किया धीरे धीरे, ये पगडंडी बनी हुई है, इस पर आप धीरे धीरे आते रहें और वो महादेव की जैसी आपको सामने तस्वीर दिखेगी, वो मूर्ति दिखेगी बैठे हुए जहाँ पर भोलेनाथ जी कह सकते हैं, वो साथ साथ बैठे हुए भोलेनाथ जी का निवास है। जब आप उनको वो आपको दिखाई देंगे तो वो आपको ऐसे बाजू से पकड़ के खींच लेंगे। तो एक बार जरूर आएंगे, सुंदर नज़ारा, कभी धूप कभी छाया, महादेव सब तेरी माया। हमने मैगी का बड़ा आनंद लिया और अब आगे का रास्ता क्या करना, हमें 6 किलोमीटर बस, मैं 6 किलोमीटर दूर है, पानी इतना ठंडा है कि फ्रिज को भूल जाओगे घर वाला, और साथ में आपने लकड़ी मत लेके आना, सब यहाँ पे सूखी लकड़ी मिलती हैं, माचिस जरूर लेके आना और डीजल पेट्रोल की कोई छोटी बोतल में जुगाड़ हो सके तो वो तो सबसे बेटर है, बाकी लिफाफे चुगने पड़ेंगे मेरी तरह। लिफाफे आपको जरूर इकट्ठे करने पड़ेंगे, बीच में दोस्त कबाड़िया भी बोल देते हैं बाकी। आपकी श्रद्धा क्या बोले नाम आप अपनी इच्छा अनुसार रखे, देखिए हमारा पहना काम था ना या ना, ना वो आपकी मर्जी है, पर एक बार जरूर आए, हमारा तो यही रहेगा कि एक बार जरूर आए, आप बार बार आओगे। देखिए सामने धूप लगी है, उधर कोहरा पड़ा हुआ, इधर धूंध आ रही है, और ये आपको रास्ते के साइड साइड में पत्थर भी दिखाई दे रहे होंगे, ये है जो भी मन्नत मुन्नत मांगते हैं ना। वैसे मैंने मन्नत तो मांगी नहीं कभी, क्योंकि मेरी तो कोई और सहेली है। मन्नत मैं क्यों मांगूंगा, थोड़ा थोड़ा ले रही कट्टू जी मजाक करते हुए। जरूर ये श्रद्धा होती है, भगवान कहते हैं भगवान हमारे से दूर नहीं है। ये आप देख ही सकते हो आप, यहाँ पर जो मन्नत मांगता है वो ऐसे पत्थर रख जाता है, तो अब इसको छेड़े भी मत। कहते हैं परमात्मा साढ़े कोलों वख नहीं और साढ़े कोलों देखण वाली अख नहीं, तार नाल तार कोई लाउंदा नहीं, फिर कहते मुरली वाला आउंदा। ये थोड़े से रेली कट्टू जी शहरी शहरों में आते हुए, तो एक बार आप भी कोशिश करें, क्योंकि वादा तो हम नहीं कर सकते, वादा के टूट जाते हैं, और वहाँ जाके देखेंगे भाई और साथ हैं, अगर इन्होंने कृपा की तो मुँह माम की मालिश करेंगे, बाकी पेन किलर पैरासीटामोल यहाँ पे एमरजेंसी के लिए, कोई इतना बड़ा एमरजेंसी हो जाए ना कोई, तो यहाँ पे इतना जुगाड़ नहीं है, सब अपना थोड़ा बहुत सामान साथ में लेकर आएँ, स्पेशल मेडिसिन जो होती है वो साथ में लेकर आएँ, और जो इंजेक्शन काटना जानता है वो अलग बात है।